जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूँ दिलकश और आप सभी का स्वागत करता हूँ दिलकश एजुकेशनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो समरी है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि हम समरी शॉर्ट में लिख के आप लोगों के लिए लेके आए हैं और पीडीएफ फाइल बना के, जिस पीडीएफ को आप बाय भी कर सकते हैं। सहायता शुल्क के रूप में आपको मात्र 5 रुपये जो है पेटीएम कैश देना होगा, ठीक है। ये सहायता शुल्क के रूप में आप दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बताएं कि समरी जो होता है, समरी के किसे कहते हैं और कैसे मतलब समरी को लिखा जाता है। तो सबसे पहले समरी याद करने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। समरी का मतलब होता है कि आप जो लेसन में पढ़े हैं उस हिसाब से आपकी जो राय है क्या है वो समरी, मेन पॉइंट उसका लिख देना है। अब बात रहे कि अगर आप हिंदी से इंग्लिश करना जानते हैं या फिर इंग्लिश मीनिंग जानते हैं, इंग्लिश लिखना जानते हैं, तब आप समरी खुद से लिख सकते हैं कहानी को पढ़ के, लेसन को पढ़ के। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप नहीं जानते हैं लिखना, तो आपको याद करना पड़ता है, तो उनके लिए भी याद करने के लिए काफ़ी आसान ही है। 5 मार्क का आपको 100 मार्क के इंग्लिश में 5 मार्क का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों समरी का मतलब ये होता है कि अगर मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, यहाँ से बिहार से कलकत्ता जा रहा हूँ, तो मुझसे कोई पूछेगा कि बिहार से कलकत्ता जाते वक्त आपके साथ ट्रेन में क्या क्या हुआ। तो बिहार से कलकत्ता जाते वक्त मुझे 5 घंटे 10 घंटे का समय लगा है, तो 10 घंटे में मैंने क्या क्या किया 10 घंटा बैठ के, तो मैं नहीं बताऊंगा कि 5:06 पर हम सीट पर थे, 5:07 पर हम वहाँ गेट के पास थे, 8 मिनट पर यहाँ थे, वहाँ थे, इस तरह से हम नहीं बताएंगे। हम क्या कहेंगे कि हम गए थे तो उस स्टेशन पर गए, फिर वहाँ गए, फिर फलाना गए, 2-3 जगह हम बताएंगे जो मेन इंसिडेंट था, जिससे पूरा हमारा 10 घंटा का जो है जो सफ़र जो है क्लियर हो जाए। बस मेन इंसिडेंट कहेंगे और फिर हम बस क्लियर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से समरी का मतलब भी यही होता है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं आप लोगों के सामने आज लेके आया हूँ या फिर जो आपके टीचर लिखाते हैं आप वही लिखें। आप लेसन को पढ़िए, उसकी मीनिंग को समझिए और उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क का जो पूछा जा रहा है, 100 वर्ड्स कम से कम आपको 100 वर्ड्स का लिखना है, तो आप लिख दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो मैं लेके आ रहा हूँ वीडियो, ये काफ़ी आसान होगी, क्योंकि खुद से बनाया गया, कुछ लिया गया है, जब मैंने पढ़ा था अपने सर से, तो उनका भी कुछ इसमें है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और लाइक करिएगा ज़रूर अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिए और पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। चलिए अब हम समरी की ओर बढ़ते हैं। समरी में कहा जा रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज़ गोन थ्रू मैनी चेंजेस बट नो चेंजेस हैज सेकेंड इट। कहने का मतलब है महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता के उस मजबूत आधार के बारे में बात कर रहे हैं विच हैज़ गोन, जो कि बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरा है, अनेकों परिवर्तनों से गुजरा है, बट नो चेंज हैज सेकेंड इट, बट लेकिन कोई भी ऐसी चेंज, कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं आया जो इसके आधार को हिला सके। किसके आधार को? भारतीय सभ्यता के आधार को। उसके बाद गांधी जी आगे कहते हैं द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस, रोम, इजिप्ट, जापान, इटली एंड चाइना हैव गोन, बट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज साउंड एंड सेल्फ प्रोटेक्टेड। द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस मतलब कि ग्रीस, रोम, इजिप्ट, जापान, इटली एंड चाइना की जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, पुरानी सभ्यता थी जो उनकी, इटली और चाइना, इजिप्ट, रोम, ग्रीस की उनकी जो पुरानी सभ्यता थी उनकी, वो लुप्त हो चुकी है, ठीक है, हैव गोन, बट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज साउंड एंड सेल्फ प्रोटेक्टेड। लेकिन भारतीय सभ्यता साउंड है, मतलब मजबूत है, अडिग है और सेल्फ प्रोटेक्टेड है, खुद से अपनी रक्षा कर रही है, सेल्फ प्रोटेक्टेड है।
उसके बाद गांधी जी आगे कहते हैं, इट इज टेस्टेड ऑन द एनविल ऑफ ट्रूथ, यह सच्चाई की कसौटी पर जांचा गया है, एंड दी एक्सपीरियंस ऑफ आर फोर फादर्स, और हमारे पूर्वजों के जो उनका एक्सपीरियंस है उस पर ये जांचा गया है, अपार्ट फ्रॉम, मतलब क्या जांचा गया है कि ये सारी चीज़ें जो ऊपर में लिखी गई है ये जांचा गया है। गांधी जी कहते हैं कि चाइना की चली गई, इटली की चली गई, लेकिन भारत की क्यों नहीं गई, तो ये सच्चाई की कसौटी पर यह है जो सो जांचा गया है, हमारे पूर्वजों का ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है। उसके बाद कहते हैं गांधी जी, अपार्ट फ्रॉम द किंग्स द सेज्स एंड द सेंस, मतलब ऋषिज एंड फकीर्स, मतलब राजाओं ने, सेज्स ने, सेंस ने, मतलब कि साधु संतों ने, ऋषिज एंड फकीर्स कहने का मतलब सूफी संतों ने, हैव ऑल डिस्प्लेड दियर सेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सिविलाइजेशन फॉर एक मिनट हैव ऑल डिस्प्लेड दियर सेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर इंडिया, मतलब उन सभी ने रिस्पेक्ट का सेंस जाहिर किया है, रिस्पेक्ट इज्जत आदर का भाव जाहिर किया है भारत के प्रति, भारतीय सभ्यता के प्रति। गांधी जी आगे कहते हैं, ही कंपेयर्स द इंडियन और द एंशिएंट सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न और द मॉडर्न सिविलाइजेशन। ही कंपेयर्स का मतलब हुआ कि गांधी जी भारतीय सभ्यता या पुरानी सभ्यता, ठीक है, भारतीय सभ्यता या पुरानी सभ्यता वो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी सभ्यता या आधुनिक सभ्यता के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। और कंपेयर करने के बाद वो कहते हैं, ही सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप्स मोरालिटी, बापू कहते हैं, गांधी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता नैतिकता को डेवलप करती है, वाइल जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्प्रिट्स इमोरालिटी, कहने का मतलब है कि जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरालिटी अनैतिकता को, पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को बढ़ावा देती है। उसके बाद कहते हैं, आर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, हमारी सभ्यता पूरी दुनिया को सिखा सकती है, देयरफोर अतः वी नीड नॉट कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमें पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं, इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता में वी डोंट फाइंड एनी सेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर दिस सिविलाइजेशन, हम किसी भी प्रकार से सभ्यता के प्रति आदर का भाव नहीं खोज पाते हैं, कहाँ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, बट लेकिन इन इंडिया भारत में वी आर टॉट टू लव आर सिविलाइजेशन लाइक अ चाइल्ड हु हैज फॉर द ब्रीस्ट ऑफ हिज और हर मदर, कहने का मतलब वी आर टॉट, हमें भारत में ये सिखाया जाता है सभ्यता से इस प्रकार से प्यार करने के लिए जैसे एक बच्चे को अपने माँ के स्तन से होता है। दस महात्मा गांधी हैज इंस्पायर्ड द सेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द सिविलाइजेशन ऑफ आवर्स अ ग्रेट वेल्थ, यहाँ पर देखिए वर्थ के जगह पर वेल्थ, ठीक, वेल्थ मतलब होता है धन, तो यहाँ पर बाबू क्या कहते हैं, दस महात्मा गांधी हैज इंस्पायर्ड, मतलब इसलिए महात्मा गांधी इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर्ड द सेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द सिविलाइजेशन ऑफ आवर्स अ ग्रेट वेल्थ, मतलब हमारी जो हमारे दिमाग में हमारे दिलों में जो अपनी सभ्यता के प्रति जो रेस्पेक्ट का सेंस आदर का भाव है वो हमारे सबसे महान वो दौलत है हमारी, आवर्स अ ग्रेट वेल्थ, ठीक है, WELTH, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, आप चाहें तो इसे नोट आउट कर सकते हैं या PDF चाहिए हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और अच्छी अगर लगी होगी तो कमेंट लाइक करिएगा तब मुझे मालूम चलेगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि आप जिन्हें अच्छा मानते हैं, आप जिन्हें चाहते हैं कुछ हेल्प करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि हमारी आगे की वीडियोज़ देखनी है आपको, मुझे मालूम है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नीचे जो हम अंत में आप लोगों को कहते हैं, एजुकेशन कैन
चेंज द सोसाइटी, जो शिक्षा है वो समाज को बदल सकती है। आप शिक्षा के स्तर से समाज में बदलाव ला सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।